हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैटालिसिस। सरफेस केमिस्ट्री का ही ये टॉपिक है कैटालिसिस। इससे पहले हमने फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम करेंगे कैटालिसिस क्या होती है। ठीक है, कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में अब आपको कैटालिस्ट का पता है, जो कैटालिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या चीज है, देखो इट इज अ सब्सटेंस। आपने लिखना तो लिख सकते हैं, वैसे बड़ी इजी डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी हुई है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखो इट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है, मतलब उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं हमारे पास, देखो आर दोज सब्सटेंसेस, या फिर लिख दो आप है ना ऐसे ही। ठीक है, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन एंड रिएक्शन एंड द प्रोसेस, ऐसे करके लिखो है ना, एंड प्रोसेस या एंड रिएक्शन, सिंपल लिखो है ना, एंड रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। ठीक है, इज कॉल्ड कैटालिसिस। क्या बोलते हैं, देखो ये एक प्रोसेस है, मतलब ऐसे रिएक्शन जो कैटालिस्ट की हेल्प से होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, उसी चीज को क्या बोलेंगे, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटालिसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो कैटालिसिस देखो मतलब कोई रिएक्शन है, विदाउट कैटालिस्ट होता है नहीं। ठीक है, हम कोई चीज खाते हैं देखो, ठीक है, तो अंदर बॉडी में हमारे कोई ना कोई कैटालिस्ट होंगे, एंजाइम कैटालिस्ट बोलते हैं हम उनको, वो क्या कर देते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो एंजाइम है वो भी क्या है, कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही पूरा प्रोसेस क्या है, कैटालाइज्ड प्रोसेस है, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कैटालिसिस जो वो दो टाइप की होती है। ठीक है, कैटालिसिस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप की होगी, दो टाइप्स की होती है। एक होती है फर्स्ट देखो होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस यदि आप समझेंगे, देखो सिंपल, ये आर दोज कैटालिसिस, या सिंपल लिखो इन दिस कैटालिसिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज। मतलब सेम फेज क्या है, सेम स्टेट में होते हैं। ठीक है, जैसे ये रिएक्टेंट है देखो हमारे पास, ये ऐसे करके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट गैसीय स्टेट में है, यहां पे ये कैटालिस्ट है। ठीक है, कैटालिस्ट भी कौन सी स्टेट में है, गैस की स्टेट में है, और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट फिर ये प्रोडक्ट की गैस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, उस किसी भी स्टेट में, मतलब आपने क्या देखना है, रिएक्टेंट और
कैटालिस्ट की स्टेट देखनी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जब सेम फेज में होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, देखो होमोजेनियस कैटालिसिस, क्या बोलते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस जो ही याद रखती है, ठीक है। और इसके बाद देखो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं होमोजेनियस कैटालिसिस के। जो होमोजेनियस कैटालिसिस है जिसमें हम ये रिएक्टेंट है, देखो ये गैसीय स्टेट में है, कैटालिस्ट क्या है गैसीय स्टेट में है, और प्रोडक्ट भी क्या है मेरे पास गैसीय स्टेट में, ठीक है। इसमें हम कुछ एक एग्जांपल करते हैं, देखो जैसे ये है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ शुगर में कर देते हैं हम C12H, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, C12H22O11 है हमारे पास, ठीक है, केन शुगर बोलते हैं इसको, केन शुगर है H2O, देखो ये भी लिक्विड में होगा, ठीक है, इसको आप किस में लो, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में होगा, ये भी किस में होगा एक्वस, यहां पे आप इसको एक्वस कर दो, ठीक है, ये एक्वस स्टेट में होगा प्लस H2O, देखो ये एक्वस स्टेट में होगा मतलब लिक्विड स्टेट में है, और यहां पे हम H2SO4 को लेते हैं, ये भी किस स्टेट में होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। यहां से हमारे पास C6H12O6 ये बन जाता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, एक बन जाएगा ग्लूकोज, और एक क्या बन जाता है C6H12O6 में, ये क्या बन जाएगा हमारे पास फ्रक्टोज, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो अब ये भी लिक्विड में है, ये एक्वस, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में, मतलब ये लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया, तो ये स्टेट क्या आ जाती है इसकी, देखो मतलब एक ही फेज में है ये रिएक्टेंट और जो हमारे पास कैटालिस्ट है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, देखो क्या है ये होमोजेनियस कैटालिसिस जो ये आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको पता लग जाएगा ना, कोई भी रिएक्शन आएंगे इसमें ये स्टेट और ये जो कैटालिस्ट होंगे ये सेम फेज में होंगे तो क्या होगा, होमोजेनियस कैटालिसिस। दूसरा आ जाता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, सेकेंड है देखो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या होगा, देखो इन दिस कैटालिसिस रिएक्टेंट molecule and catalyst are in different phase, कौन से फेज में होंगे, देखो ये डिफरेंट फेज में होंगे, ठीक है। रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होते हैं, मतलब यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, देखो सिंपल है, रिएक्टेंट ये गैसेस में है तो कैटालिस्ट जो है हमारे पास कैटालिस्ट है ये सॉलिड फेज में होगा, और ये प्रोडक्ट आ जाता है, ये लिक्विड में आ गया या जो भी है, ठीक है। तो इनका फेज रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल देखो यदि हम क्या करते हैं SO2 को ले लेते हैं, ठीक है, 2SO2 ये गैसेस में होगा, इसको यदि हम प्लेटिनियम गॉज लेते हैं SO2 को पास करते हैं तो यहां से क्या बन जाता है हमारे पास, देखो SO3 जो है ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, यहां पे ये 3 आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, ये गैसेस फेज में। तो यहां पे देखो ये गैस है, ये क्या है हमारे पास सॉलिड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। और सेकंड देखो एक और एग्जांपल है, यदि आप N2 गैसेस मॉलिक्यूल लेते हैं हबर प्रोसेस में, ठीक है, N2 गैसेस मॉलिक्यूल H2 ये भी क्या है गैस, और यहां पे आयरन एज ए सॉलिड देखो एज ए कैटालिस्ट का काम करता है, आयरन क्या करता है एज ए कैटालिस्ट का काम करेगा यहां पे, ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो 2NH3 जो है ये बन जाता है, ठीक है। तो ये भी देखो ये गैसेस फेज में आ जाता है, इसका फेज देखो ये गैसेस फेज में है और आयरन किस में आ जाता है हमारे पास सॉलिड फेज में आ जाता है, तो ये क्या आ जाती है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस।
बुक में और ज्यादा एग्जांपल दिए होंगे, आप बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को करेंगे तो इसमें ये इस टाइप की कैटालिसिस जो होती है, ये क्या होती है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होती है। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म होता है इसका एडसॉर्प्शन थ्योरी का, ऑन द बेसिस ऑफ एडसॉर्प्शन देखो मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे, देखो इसको आपको समझना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडसॉर्प्शन, देखो एडसॉर्प्शन के बेस पे कैसे होती है, हमारे पास कोई रिएक्टिंग स्पीसीज होगी। सबसे पहले क्या होता है, देखो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में डिफ्यूजन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हमारे पास देखो ये क्या है, ये कैटालिटिक सरफेस है। ठीक है, दिस इज द कैटालिटिक सरफेस। ठीक है, कैटालिटिक सरफेस, ये कैटालिटिक सरफेस है। इसी कैटालिटिक सरफेस में यदि हमारे पास देखो ये ए और बी हमारे पास क्या है, एक रिएक्टिंग स्पीसीज जो ये है हमारे पास ए और बी। ठीक है, ये ऐसे करते कर दो इसको, ए और बी, ए प्लस बी, ये क्या आ जाते हैं हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज। ऐसे करके ये ए प्लस बी या ए बी भी ले सकते हैं, दिस इज द रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, अब इनकी क्या होगी, देखो एडसॉर्प्शन होती है, ये क्या करेंगे, एडसॉर्ब करेंगे। ठीक है, इनकी क्या होगी, एडसॉर्प्शन होगी ए बी की, कहां पे जाके, यहां पे। ठीक है, ये यहां पे जाके इन स्टेज पे जाके क्या करेंगे, ये एडसॉर्प्शन होगी इनकी। ठीक है, तो मतलब यहां पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ए और बी स्पीसीज और कैटालिटिक सरफेस के बीच में डिफ्यूजन होगी। ठीक है, मतलब देखो ये कैटालिटिक सरफेस है। ठीक है, कोई रिएक्टिंग स्पीसीज आ रही है, उन्होंने यहां पे जाके एडसॉर्ब होना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी कोई रिएक्टिंग स्पीसीज, ये रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास। ठीक है, ये कैटालिटिक सरफेस है और ये क्या आ जाती है, रिएक्टिंग स्पीसीज, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे, यहां पे जाके एडसॉर्प्शन होती है उनकी। ठीक है, मतलब एडसॉर्प्शन होने से पहले उनके बीच में डिफ्यूजन होगी। ठीक है, डिफ्यूजन होने के बाद वो क्या करेंगे, देखो एडसॉर्ब करेंगे मॉलिक्यूल्स, क्या करेंगे, एडसॉर्ब करेंगे, एडसॉर्प्शन हो जाएगी उनकी। एडसॉर्प्शन होने से क्या होगा, उनके बीच में बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है, वहां पे क्या बन जाते हैं, इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट होती है हमारे पास वो क्या होती है, मतलब हाई एनर्जी स्पीसीज होती है और अनस्टेबल स्पीसीज होती है, और उन्हीं इंटरमीडिएट से देखो जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, माना ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, देखो ये यहां पे इस सरफेस पे जाके क्या हो गई है, एड्सॉर्ब हो गई है ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बीच में बॉन्ड बन गया है, और जब कैटलिस्ट और इसके बीच में बॉन्ड बन गया मतलब इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई। तो जब इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी तो बाद में क्या होती है, देखो एनर्जी, हाई एनर्जी होती है, दोबारा से स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं, देखो डिसॉर्प्शन हो जाती है इसकी, क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज होगी और डिसॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, अब जब डिसॉर्प्शन होती है तो हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल बनता है, कैटालिटिक कैटालिस्ट तो पूरे का पूरा एज इट इज ही निकल जाता है, उसकी कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगी, बट जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास देखो वो मतलब जो रिएक्टेंट जो एड्सॉर्ब हुआ था वो प्रोडक्ट बन के निकलेगा। ठीक है, उसमें क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो वैसे ही हम देखो इस थ्योरी में करेंगे, ये बनी कभी है, देखो यहां से क्या होगा, इसकी एड्सॉर्प्शन होगी, आपने यहां पे लिखना है देखो एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज की एड्सॉर्प्शन हो जाती है, तो ये कैटालिटिक सरफेस हमारे पास ऐसे करके बनते हैं, देखो
यहां पे ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास बी, ए और बी के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या आगे देखो हमारे पास एडसॉर्प्शन से बना, ये देखो एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखो, जब ये ए और बी रिएक्टिंग स्पीसीज ये कैटालिटिक सरफेस पे जाके इन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, इनके बीच में देखो इंट्रेक्शन होती है, ए और बी के बीच में भी इंट्रेक्शन होगी, और यहां से ए और बी के बीच में क्या होगा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है ये हो जाती है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, ये देखो इंटरमीडिएट जो है ये बन जाता है हमारे पास, ये जो ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये कैटालिटिक सरफेस है, इनको ऑक्सीजन मत मानना। तो यहां से क्या होगा, ये ए और ये बी है, तो ये कैटालिटिक सरफेस, इसको क्या बोलेंगे देखो हम इंटरमीडिएट, क्या बन गया ये इंटरमीडिएट जो है ये बन गया, ठीक है। इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीसीज है, हाई एनर्जी स्पीसीज, ठीक है। बाद में क्या होती है देखो, यहां पे डिसॉर्प्शन हो जाती है, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। जब रिएक्टिंग स्पीसीज की डिसॉर्प्शन होती है तो यहां से क्या बन जाता है देखो, ये कैटालिटिक सर्फेस जो है, कैटालिटिक सरफेस अलग हो गया, ठीक है। और जो ए बी है हमारे पास देखो, ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई, ए और बी देखो यहां पे अलग अलग थे, ए और बी यहां पे प्रोडक्ट जो इसकी फॉर्मेशन हो गई, ए बी प्रोडक्ट जो ये बन गया, ठीक है। ये कैटालिस्ट जो है ये अलग रह गया हमारे पास, ठीक है, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट अलग रह गया और प्रोडक्ट जो ये अलग बन गया, ठीक है। तो यही क्या था हमारे पास देखो, मैकेनिज्म था हेटरोजीनियस कैटालिसिस का, ठीक है। ज्यादा इसमें थ्योरी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है देखो, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है आपने, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट पे क्या होती है, डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन के बाद क्या होगी देखो, ये एडसॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया आपको, सेकंड पॉइंट क्या है, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऑन द कैटालिटिक सरफेस, कैटालिटिक सरफेस पे इनकी क्या हो जाती है, एडसॉर्प्शन हो जाती है। जब एडसॉर्प्शन हो जाएगी तो एडसॉर्बिंग स्पीसीज ये बन जाती है, और एडसॉर्प्शन के बाद क्या बन जाता है हमारे पास, इंटरमीडिएट। ये आपने थर्ड पॉइंट जो लिखना है, केमिकल रिएक्शंस अकर्स बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड कैटालिटिक सरफेस, है ना। कैटालिटिक सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके और रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में केमिकल रिएक्शन अकर होता है, और फोर्थ स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या बन जाता है हमारे पास, अनस्टेबल स्पीसीज इंटरमीडिएट जो ये बन जाते हैं, और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा देखो, यहां पे डिसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज की क्या हो जाती है, डिसॉर्प्शन हो जाती है। जब डिसॉर्प्शन हो जाती है कैटलिस्ट अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट जो इसकी अलग अलग फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, होमो हेटरोजीनियस कैटालिसिस जो इसका मैकेनिज्म आ जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें ही हेटरोजीनियस कैटालिसिस के बाद, देखो कैटालिस्ट जो है जो मेनली थोड़ा सा पढ़ेंगे हम इसको, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा ये, क्योंकि बायो के स्टूडेंट जो होंगे उन्होंने एंजाइम कैटालिस्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होते हैं ये। नेक्स्ट देखो एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट, ठीक है। अब एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं देखो, इनको आपने सुनना है बस, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, एंजाइम कैटालिस्ट में सुनना है। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं देखो, जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है, क्या होते हैं ये, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और एंजाइम्स जो होते हैं देखो, हायर मॉलिक्यूलर मास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, ठीक है, जो प्रोटीन्स होगी हमारे पास उनको ही क्या बोलेंगे हम देखो, एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं हमारे पेट के अंदर। मतलब यदि हम कोई रोटी खाएंगे देखो, एक रोटी खाएंगे, यदि
पेट में एंजाइम कैटालिस्ट नहीं होगा तो उसको बहुत ही दिन लग जाएंगे, मतलब एक रोटी को ही डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट यदि एंजाइम कैटालिस्ट देखो पेट में होते हैं, ड्यू टू एंजाइम कैटालिस्ट की वजह से जो रोटी है वो क्या हो जाएगी, देखो एकदम ही डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम में ही डाइजेस्ट हो जाती है। तो एंजाइम कैटालिस्ट जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, और हायर मॉलिक्यूलर मास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, ठीक है। तो एंजाइम कैटालिस्ट में देखो बहुत सारे एंजाइम कैटालिस्ट है, इनवॉल्टेज, जाइमेज, ठीक है, माल्टेज, ऐसे ही बायोलॉजी में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। और एंजाइम कैटालिस्ट की एक प्रॉपर्टीज होती है, देखो मैं यदि एंजाइम कैटालिस्ट देखो इसमें आपने थोड़ा बहुत लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। देखो एंजाइम कैटालिस्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है ये एक तो हाईली एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, मतलब रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बिल्कुल एकदम से फास्ट स्पीड में ले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, कौन सा नेचर होता है, स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हमने यदि केन शुगर लेनी है, देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर को हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है। देखो ये हमारे पास C12H22O11 है हमारे पास केन शुगर, ठीक है, केन शुगर, इसकी हाइड्रोलाइसिस और इन्वर्जन करेंगे, देखो तो यहां पे इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज एज ए कैटालिस्ट लेते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम कैटालिस्ट है, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, देखो C6H12O6 और ये ग्लूकोज बन जाएगा एक, ठीक है, और दूसरा C6H12O6 ये क्या बन जाता है हमारे पास, फ्रक्टोज जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज बन जाएगा, ये क्या बन जाता है, फ्रक्टोज जो है ये बन जाता है, मतलब यहां पे इन्वर्टेज लग जाता है, ठीक है। अब देखो C6H12O6, ठीक है, ये है हमारे पास, अब इसकी ये जो है इसको यदि हमने कन्वर्ट करना है, देखो क्या हुआ, ये देखो ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, अच्छा ये यहां पे क्या जाएगा, देखो C12 सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, फ्रक्टोज का भी, ग्लूकोज को यदि हम देखो ग्लूकोज की कन्वर्जन करेंगे हम इथाइल एल्कोहल में, तो यहां पे क्या लेते हैं हम, देखो जाइमेज, क्या लेते हैं, जाइमेज, ये कैटलिस्ट है हमारे पास, जाइमेज में देखो सी, इसमें C2H5OH एल्कोहल बन जाता है और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O मॉलिक्यूल जो ये निकल जाता है, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, ये जाइमेज और इन्वर्टेज, दीज आर द एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये आपने करना है, और इसमें देखो इसके मैकेनिज्म जो करने हैं आपने, लॉक एंड की मॉडल होता है, ठीक है, हाँ एक और इसकी प्रॉपर्टी है, देखो ये तो हाईली स्पेसिफिक है, और जो एंजाइम कैटालिस्ट है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है हमारे पास, 37 डिग्री सेल्सियस पे, और जो पीएच वैल्यू है 7.4 उस पे ही काम करेंगे ये एफिशिएंटली, बहुत ज्यादा काम, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, एंजाइम कैटालिस्ट आते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जो करेंगे, देखो मैकेनिज्म में लॉक एंड की मॉडल आता है, ठीक है, जिसमें मतलब लॉक एंड की मॉडल में क्या आ जाता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, जैसे मतलब एक लॉक जो है पर्टिकुलर की से ही खुलेगा, वैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है हमारे पास, देखो उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम कैटालिस्ट जो वही चाहिए, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल है, और ये क्या आ जाता है, देखो हैंडिंग ग्लव्स, ठीक है, हैंडिंग ग्लव मॉडल जो है वो भी आ जाता है, मतलब ग्लव्स की जो सबस्ट्रेट होता है वो है ना, देखो हमारे पास मतलब ग्लव्स, ग्लव्स में जैसे ही हम हाथ डालते हैं तो ग्लव्स की शेप नहीं होती है, ठीक है, जब हम हाथ डालते हैं तो ग्लव्स अपनी शेप ले लेता है, ठीक है, वैसे ही सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक मॉडल्स थे इसके, एंजाइम कैटालिस्ट में आपने ज्यादा डिटेल में
इसका टॉपिक ही बहुत लंबा है, मतलब एंजाइम कैटालिस्ट बायोलॉजी में बड़े डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे जितनी कर चीजों की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एंजाइम कैटालिस्ट के बाद देखो, कैटालिटिक रिएक्शन में ही हमारे पास दो चीजें आती है, एक आते हैं प्रोमोटर, एक क्या आते हैं पॉइजन्स, ठीक है। क्या आते हैं देखो, प्रोमोटर होते हैं, और एक क्या होता है देखो हमारे पास पॉइजन्स, ठीक है। अब प्रोमोटर और पॉइजन्स जो होते हैं, प्रोमोटर क्या होते हैं देखो, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, किसकी, कैटालिस्ट की, है ना। जैसे मैंने अभी आपको हवर्स प्रोसेस बताया, हवर्स प्रोसेस में आयरन एज ए कैटालिस्ट का काम करता है, और मोलिब्डेनियम डाला हुआ होता है उसमें, मोलिब्डेनियम जो वो एज ए प्रोमोटर का काम करता है, ठीक है। तो ये प्रोमोटर होते हैं विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। पॉइजन्स क्या करते हैं देखो, डिक्रीज करते हैं, मतलब रिएक्शन हो रहा होता है देखो कई बार, ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन के बीच में ही कुछ एक सब्सटेंस ऐसे निकल आते हैं, मतलब ऐसे बन जाते हैं जो क्या करते हैं, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कैटालिस्ट ने जितनी स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, उतनी स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन जो वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, ड्यू टू किसकी वजह से, जो सब्सटेंस बने हैं उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स, जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, पॉइजन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक कैटालिस्ट में ही हमारे पास एक आ जाती है देखो, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट मतलब एक्टिविटी क्या है देखो, एक्टिविटी है एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटालिस्ट की कितनी एबिलिटी है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कितने अमाउंट में कैटालिस्ट जो वो दे रहे हैं, और कितने अमाउंट में हमको देना पड़ेगा ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो वो बड़ा फास्ट हो जाए, या कैटालिस्ट की अपनी कैपेसिटी कितनी है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, एक्टिविटी। और एक क्या होती है देखो, सिलेक्टिविटी, एक क्या होती है सिलेक्टिविटी, मतलब कैटालिस्ट जो वो सिलेक्टिव होगा, यदि हमारे पास रिएक्टेंट देखो सेम भी है, कैटालिस्ट यदि डिफरेंट है तो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बन जाते हैं, ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, सिलेक्टिविटी। मतलब क्या है देखो, CO गैसेस मॉलिक्यूल है हमारे पास, H2 गैस है, तो यदि हम कॉपर एज ए कैटालिस्ट लेते हैं देखो, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस को कॉपर ट्यूब में से पास कर देते हैं, मतलब रेड हॉट कॉपर ट्यूब होती है, इसमें से पास करेंगे तो यहां से क्या बन जाता है, HCHO, क्या बन जाएगा, HCHO, ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड जब हम कॉपर में से पास करते हैं इसको, ठीक है। यदि हम देखो CO ये गैसेस मॉलिक्यूल है, ये H2 में इसको गैसेस मॉलिक्यूल में ले लेते हैं, यदि हम इसको देखो ZnO और Cr2O3 ये कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट में ले लेते हैं तो यहां से क्या बन जाता है, CH3OH, ये बन जाता है, ठीक है। मतलब सारे का सारा रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कैटालिस्ट के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, यदि आप देखो, यदि हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाना है इससे तो हम कैटालिस्ट कौन सा लेंगे, कॉपर। यदि हमने मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो हम ZnO और ये Cr2O3 इसको ले लेते हैं। यदि हम यहां से ही देखो एक अलग से कैटालिस्ट को ले लेते हैं तो अलग से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब ये कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है ये सिलेक्टिविटी, इस चीज को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिक नेचर, मतलब अलग अलग कैटालिस्ट लेके अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, ये एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी आ जाती है कैटालिस्ट की। और इसके बाद देखो, एक होता है हमारे पास शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, ठीक है, कौन सा आता है, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट,
तो जो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, शेप सिलेक्टिव कैटल मतलब देखो कई कैटलिस्ट होते हैं, देखो जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, कैटलिस्ट जो होंगे शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, उनमें क्या होते हैं वो किसके ऊपर कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पोर्स की स्ट्रक्चर्स जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो कई ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनकी केस लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, केस लाइक स्ट्रक्चर होती है, पोर्स होती है, पोर्स होते हैं, और मतलब साइज ऑफ द रिएक्टेंट जो उनमें वो फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं हम, देखो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब जो क्या करते हैं देखो, जो ओनली शेप के ऊपर डिपेंड करेंगे, साइज ऑफ द पोर्स और स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होता है पोर्स का उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट देखो हमारे पास एक जिजलर नाटा कैटालिस्ट जो है याद आता है। ठीक है, कौन सा कैटालिस्ट है, जिजलर नाटा कैटालिस्ट जो है वो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट है, और शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट में ये यूजेस कहां होते हैं, देखो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट देखो जिजलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, ये जिजलर नाटा कैटलिस्ट होता है, दिस इज द शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, और इसमें माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट से बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना होगा, माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स ये है हमारे पास। ठीक है, जिंदल नाटा कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट जो है कहां पे यूज होता है, देखो मतलब पेट्रोलियम में, यदि हमने देखो जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को हमने गैसोलीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वहां पे हम शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट को ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल को, देखो ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है हमने किसमें, इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे गैसोलीन में, पेट्रोल में। ठीक है, गैसोलीन, तो यहां पे ZSM5 ये जिजलर नाटा कैटलिस्ट है, इसकी टाइप है ZSM5 शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, उसको ले लेते हैं। ठीक है, ये गैसोलीन ये बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। आपको यदि जिजलर नाटा कैटलिस्ट पूछ, देखो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट पूछेंगे तो ये आ जाते हैं हमारे पास, माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स आर कॉल्ड एज ए शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, और इनके यूजेस जो है ऐसे करके देख लेंगे ना, और बाकी बहुत ज्यादा यूजेस है। तो आज का टॉपिक ये यहाँ पे खत्म होता है कैटालिसिस, और नेक्स्ट हम करेंगे कोलाइडल जोन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।